नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का शेयर अभी 11 रुपए 10 पैसे पर चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात की जाए तो यह 2G, 4G, 4G प्लस वॉल्ट और वो वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यह दोस्तों टेली कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना दोस्तों 31 अगस्त 2018 को हुई है, 2 साल पहले। वैसे तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां बहुत पुरानी हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है, दोनों ने अपने बिजनेस का विलय किया है। तो दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वे हैं मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सर्विसेज। इसके मेंबर्स की बात की जाए दोस्तों तो इसके जो मेंबर्स हैं वो 284.26 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इसके। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 13,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। और इसकी जो सब्सिडायरीज है वो दोस्तों यू ब्रॉडबैंड लिमिटेड करके है। तो दोस्तों काफी अच्छी कंपनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। और इसके दोस्तों जो मार्केट कैप की बात की जाए वो 317.55 बिलियन का है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी अभी AGR ड्यू का मामला चल रहा है वोडाफोन आइडिया पर। दोस्तों 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का AGR ड्यू है, तो बहुत ही जल्द उस पर भी दोस्तों फैसला आने वाला है AGR ड्यू पर कि किस तरीके से चुकाया जाएगा, क्या होगा। हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल जाए या फिर भारत सरकार कुछ इसको माफ कर दे, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। तो वह भी दोस्तों जल्दी क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अभी स्पेक्ट्रम बैंडों की नीलामी चल रही है। अभी जो स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दोस्तों पहले दिन में 77,146 करोड़ की बोली मिली। स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बोली दोस्तों आज भी जारी रहेगी। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया से बोली लगाई गई है। 45,000 करोड़ की बोली मिलने की उम्मीद जताई थी। 800, 900, 1800 MHZ बैंड के लिए बोलियां मिली हैं दोस्तों। 2100, 2300 MHZ बैंड के लिए भी बोलियां मिली हैं। हालांकि 700, 2500 MHZ बैंड के लिए बोली नहीं मिली हैं। तो अभी दोस्तों स्पेक्ट्रम नीलामी की बोली चल रही हैं, आज भी दोस्तों जारी रहेंगी। और जहां तक उम्मीद है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया इस नीलामी को जरूर जीतेगा अच्छी बोली लगा के, और जल्द ही दोस्तों 5G सर्विसेज भी लॉन्च करेगा वोडाफोन आइडिया। 5G सर्विस भी दोस्तों वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में लॉन्च करेगा और अच्छे अच्छे प्लान लेकर आएगा जिससे कस्टमर इसकी तरह अट्रैक्ट होंगे। अभी जो भी इसके जो प्लान है काफी अच्छे हैं। इसके इंटरनेट की स्पीड भी दोस्तों काफी अच्छी है, फोन कॉल्स वॉइस कॉल्स भी काफी अच्छे हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों वोडाफोन आइडिया का शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है। आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं, इसने 2015 में हाई लगाया थे 123.21 रुपए का। और आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ से दोस्तों बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी न्यूज आई थी कि स्टैनले ने, यानी मॉर्गन स्टैनले ने बहुत सारे स्टॉक खरीदे हैं इसके। तो ये बहुत ही जल्द दोस्तों 18 को क्रॉस करने वाला है कुछ, यानी दो अगले 2 से 3 महीने में। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए, इसके शेयर की डिलीवरी हुए अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 1 से 1.5 साल में यह स्टॉक 3500 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। हो सकता है कि दोस्तों दिवाली तक ही यह 3500 रुपए टच कर जाए।
यहाँ पे आप लोग चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं और बहुत ही जल्द इसमें गुड न्यूज भी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर या कोई बहुत बड़ी कंपनी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है आने वाले समय में। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।